अपने आप में बहुत इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव है, हर साल कुछ ना कुछ नए ये लोग लेके आते हैं। दे हैव स्टार्टेड द टेलीकैनरी शूट फ्रॉम गोवा एंड टुडे दे हैव रीच्ड ताइवान। सो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत सारा हार्डवर्क और मेहनत का ये फल होता है। बहुत ग्लैमरस होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बहुत इनोवेटिव, बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं। आई थिंक ये टेलीकैनरी शूट जब भी आता है ना, तो ऐसा फील होता है कि यू नो यू आर पार्ट ऑफ अ किंगफिशर कैलेंडर शूट और समथिंग। एंड ऑनेस्टली आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीकैलेंडर शूट। आई एम रियली लकी कि मैं ये, दिस इज माय थर्ड ईयर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शूट, तो डेफिनेटली आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी। लेकिन 5 साल से सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटीज फीचर कर रही है, मेल सेलिब्रिटीज का नाम निशान नहीं है, कितनी दुख की बात है ये। बड़ी दुख की बात है सब मेल सेलिब्रिटीज के लिए, बड़े मेल सब दुखी हो जाते हैं। आई थिंक सो, आई एम श्योर अबाउट इट, बट या आई थिंक दे विल कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर अबाउट दैट। अच्छा टीना, जैसे 5th edition है, 6th edition, 7th edition, क्या बदलाव देखना चाहिए, कुछ बदलाव कुछ कहना चाहेंगे, जैसे फीमेल है तो क्या 6th male को देखेंगे कैलेंडर में? दैट इज़ कम्प्लीटली अ क्रिएटिव कॉल। आई थिंक सनी एंड आनंद विल बी द बेटर पर्सन टू टेक अ कॉल अबाउट इट, बिकॉज आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द कैलेंडर शो। बट डेफिनेटली या आई थिंक इट विल बी मोर ग्लैमरस अगर लड़के भी पार्ट हो जाएंगे सेली कैलेंडर का, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ मोर ग्लैमरस शो। मे बी लड़का लड़की साथ में कुछ डिफरेंट इनोवेटिव पोजेस के साथ कुछ अलग अलग शूट करेंगे, तो आई एम श्योर इट विल बी। आप ये जाना चाहूँगा, बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी सलमान, अमिताभ सब टीवी शोज करते हैं, लेकिन जो टेलीविजन के स्टार्स होते हैं उनका एस्पिरेशन होता है कि बॉलीवुड में अपने कदम रखें, तो आज के दौर में टेलीविजन और बॉलीवुड बराबर है, आप ये मानती हैं? मैं पर्सनली हाँ मानती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ छोटे छोटे शहरों में आम जनता हर जगह पे नहीं पहुँच पाते, एवरीबडी कांट अफोर्ड 250 रुपये का टिकट खरीद के मूवी देखना। सो डेफिनेटली पीपल ये लोग यही प्रेफर करते, घर की बीवियाँ या लोग जब थक जाके घर पे आते हैं तो डेफिनेटली वो टीवी का चैनल हाथ में रिमोट होता है, कोई भी चैनल सर्व करके चैनल चेंज कर सकता है। आजकल फ़ोन पर आ गया है टेलीविज़न, सो आई थिंक टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी इंसान के कोने कोने तक पहुँचते हैं, जो शायद बॉलीवुड मूवीज़ इतना कोना कोना तक नहीं पहुँचते हैं। टेलीविजन हैज़ रीच वर्ल्ड वाइड, मतलब US बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, हर जगह पे आपकी टेलीविजन देखी जाती है, हर जगह पे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है फॉर इवेंट्स एंड ऑल। सो आई थिंक इट्स एन इक्वल प्लेटफॉर्म नाउअडेज़, एंड आई थिंक बिकॉज ये मीडियम हर किसी के पास पहुँचता है टू द मास जनरेशन, आई थिंक दैट्स व्हाई बॉलीवुड पीपल भी दे आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीविजन वर्ल्ड। और अगर इस कॉन्सेप्ट को लार्जर लाइफ क्रिएट करना हो तो क्या आपके सजेशन की आपकी तरफ से कि लार्जर लाइफ करना उस कॉन्सेप्ट को? आई थिंक और मीडियम और होना चाहिए जो गांव में है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते टीवी देखना, बिकॉज वो थोड़ा प्राइसी हो जाता है, लाइक टाटा स्काई लगानी जाओ या एयरटेल लगानी जाओ या कोई भी डिश टीवी लगानी जाओ, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द फार्मर्स और जो भी है पॉर पीपल के अफोर्ड करने के लिए। आई थिंक अगर वो थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी, और अगर इंटरनेट और रीजनेबल हो जाएगा तो आई थिंक पीपल कैन जस्ट डाउनलोड एप्स ऑन द फोन एंड वॉच टेलीविजन, लाइक आजकल जो बहुत कॉमन हो गया, बीट हॉटस्टार और व्हाटएवर। सो आई थिंक दैट विल बी इजियर फॉर द कॉमन जनरेशन टू कंज्यूम। हो गया 5 सेकंड हो गया। मैम थैंक यू। My God, what is that? Okay, 1 second, I'll just check my lipstick. Oh my God. Yeah, it's very dry. I'm not so dry. What do I do? No. It's okay. Oh, it's actually a gift to the industry because aisa kuch tha nahi. It's very nice because every year, you know, they epitomize television girls into एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा रख सकते हैं, जैसे लोग कैलेंडर्स रखते हैं, यू नो एवरी ईयर एवरी मंथ देयर इज अ न्यू गर्ल, इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक इट्स मच नीडेड बिकॉज यू नो बॉलीवुड हैज़ इट, एवरीबडी हैज़ इट, एंड आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड वी शुड रियली बी थैंकिंग मैनेजिंग। लेकिन दुख की बात है कि मेल सेलिब्रिटीज फीचर नहीं हो रहे 5 साल में एक बार दफा भी, कुछ क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? मेल सेलिब्रिटीज फीचर नहीं होते इसमें, वो उनकी प्रॉब्लम है, फीमेल्स हैव देयर एडवांटेजेस, व्हाट कैन आई से, नोबडी वांट्स टू सी बॉयज ऑन कैलेंडर्स आई थिंक। जैसे आपने कहा कि 5th edition और 1st year से आ रही, तो क्या बदलाव दिख रहे हैं, क्या बदलाव देखना चाहती है आगे? बदलाव ये है कि जब हमने कैलेंडर शुरू किया था तो हमने एक स्टूडियो से शुरू किया,
किया था विच वॉज मे बी नॉट इवन हाफ ऑफ द साइज ऑफ दिस प्लेस एंड फ्रॉम टेकिंग इट फ्रॉम द स्टूडियो सेकेंड ईयर वॉज गोवा थर्ड ईयर वॉज डायरेक्टली मलेशिया फोर्थ ईयर वॉज जॉर्डन फिफ्थ ईयर ताइवान सो यू नो किसी चीज़ को आप उसके प्रोग्रेस से ही जज करते हैं सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट और सिर्फ ये दिखता है कि नॉट जस्ट अस बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है अभी मैं पूछना चाहूँगा बॉलीवुड के इतने बड़े सेलिब्रिटीज हैं सलमान है अमिताभ है सब टेलीविजन शोज करते हैं लेकिन जो टेलीविजन सेलिब्रिटीज हमें इंस्पायर करते हैं कि बॉलीवुड में अपनी कदम बनाए तो आज के दौर में टीवी और बॉलीवुड बराबर है ये मानते हैं आई थिंक टेलीविजन इज बिगर एज मीडियम आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ शेयर मार्केट एंड आई नो दैट द शेयर्स ऑफ टेलीविजन डिश टीवी जी एंटरप्राइजेज आर नॉट जस्ट वेरी गुड बट दे आर हाईली सॉर्ट आफ्टर सब उनको रिकमेंड करते हैं बिकॉज टेलीविजन इज द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग मेल को आगे देखना चाहेंगे 6th एडिशन में 7th एडिशन में मेल जो आर्टिस्ट मैं लड़कों के बारे में नहीं सोच रही हूं तो प्लीज आप अपनी चिंता खुद करें लास्ट में इसको अगर लार्जर देन लाइफ बनाया जाए अगर 2-3 साल में तो क्या करना चाहिए बेसिकली सजेशन क्या आपकी तरफ से आई थिंक अगर इसे लार्जर देन लाइफ बनाया जाए तो यू नो एवरी गर्ल शुड हैव अ ओन थीम एंड एवरी गर्ल शुड बी शॉट इन अ डिफरेंट कंट्री देन आई थिंक इट विल बी रियली ग्रैंड थैंक यू यूनिक है कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत ही इनोवेटिव है बिकॉज कोई नहीं सोचता है कि टीवी एक्टर्स भी कैलेंडर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट एफर्ट और अच्छा लगता है यू नो जब टीवी एक्टर्स को भी उतना ही प्यार मिलता है जितना बॉलीवुड वालों को मिलता है इसलिए तो यस इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इनके कॉन्सेप्ट हमेशा से ही बहुत अच्छे हैं BCL वॉज ऑल्सो देयर कॉन्सेप्ट तो BCL में भी आपने देखा था बहुत झगड़े और बहुत बॉलें फेंकी गई थी यस लेकिन 5 साल से सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटीज फीचर कर रही हैं मेल सेलिब्रिटीज का नामों निशान नहीं है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आपने BCL में भी देखा होगा आपने इसमें भी देखा होगा दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द गर्ल्स सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मैं ये कहना चाहूंगा बॉलीवुड के जैसे सेलिब्रिटीज बड़े सेलिब्रिटीज सलमान हैं अमिताभ हैं सब टेलीविजन शोज करते हैं लेकिन जो टेलीविजन वो एस्पायर करते हैं कि बॉलीवुड में जगह बनाइए दोनों मीडियम बराबर हैं आप मानते हैं आज के दौर में दोनों मीडियम बराबर हैं ऑब्वियसली I think it's the grass is always greener on the other side, but I'm sure the grass is not that greener when you're a Bollywood actor, because TV करना बहुत आसान है, TV वालों को movies करना बहुत difficult है, तो yes. अगर इस concept को larger than life किया जाए next 2 years या 3 years में तो क्या करना चाहिए basically? किस concept को? ये current का concept है वो larger than life अगर हर बार आई थिंक इन्होंने अपना जो यू नो कॉन्सेप्ट देयर होल एफर्ट दे हैव एक्चुअली अप इट ऑल द टाइम तो मुझे पूरा यकीन है इस साल भी बहुत ही डिफरेंट करेंगे लास्ट टाइम से तो आई एम होपिंग यस इट विल बी ग्रेट आई एम जस्ट अच्छा लगता है हमारे टेलीविजन फ्रेंड्स को एक कैलेंडर में देखकर सो एवरी टाइम कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो सिर्फ फोटोग्राफ क्लिक करके वापस नहीं आते वहाँ घूमते हैं फिरते हैं बाइट्स लेते हैं तो वो बहुत एक्चुअली यूनिक लगता है एंड इट्स नाइस कि एक हॉलीडे मिल जाता है यहाँ से लोगों को सो मेल के आप कॉस्ट्यूम कपड़े भी खरीदने जाओ ना आपको सेशन छोटा सा मिलता है लेडीज का इतना बड़ा मिलता है सो इफ यू गो टू अब्रॉड ऑल्सो ट्रस्ट मी लड़कों के लिए कपड़े ढूंढने पड़ते हैं लड़कियों के ऐसे ही रहते हैं सो इट्स नॉट दैट ओनली बट हम ज़्यादा डेली सोप भी होता है तो अगर लड़कियाँ मेल लीड होती हैं तो शो ज़्यादा चलता है ऐसी बात है सो सी मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म अगर आप कर भी लो फिर क्या सो व्हाट्स योर फ्यूचर ये मैं सोचती हूँ पर्सनली यस हमारे बहुत लोगों ने टेलीविजन से फिल्मों में कदम रखा एंड बहुत लोग वापस भी आए हैं टेलीविजन पे जिसमें कोई हार्म नहीं आप लक ट्राई कर सकते हो सो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन जो चल रहा है इफ़ यू आर हैप्पी बी हैप्पी या तो फिर किसी की तरह जस्ट यू नो एक कैरेक्टर करो एंड कम बैक इन टेलीविजन देयर इज नो हार्म इन इट अगर इसको लाइव बनाना हो तो लार्जर देन लाइफ आई थिंक
सी यहाँ पे इतना बड़ा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है एंड पीपल आर इंटरेक्टिंग, सो इट्स बिकमिंग देयर, सो डेफिनेटली सून कुछ तो डेफिनेटली होगा.